इस लेक्चर में हम लोग लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए पाइप देखेंगे और सेकंड देखेंगे लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप हम लोग देखेंगे तो देखिए पहले हम क्या देख रहे हैं लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ द पाइप यहाँ पे लॉस ऑफ हेड आपका होगा देखिए यहाँ पे क्यों होता है देखिए दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी विच ऑकर्स वेन ए लिक्विड एंटर ए पाइप विच इज कनेक्टेड टू ए लार्ज टैंक ऑक और ए रिजर्वायर तो देखिए लॉस ऑफ हेड इन द द एंट्रेंस ऑफ पाइप क्यों होता है क्योंकि जो आपका ये जो लिक्विड होता है इस पाइप में एंटर करता है जिसके कारण क्या होता है पाइप में एंटर करता है, तो यहाँ पे एडिस फॉर्मेशन आपकी हो जाती है जब एडिस फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा एनर्जी लॉस होगा एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा लॉस ऑफ हेड आपका होगा तो क्या बोल रहा है दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी विच ऑकर्स वेन ए लिक्विड एंटर्स ए पाइप विच इज कनेक्टेड टू ए लार्ज टैंक और ए

फॉर ए शार्प एज एंट्रेंस दिस लॉस इज स्लाइटली मोर होता है देन अ राउंड और बेल माउंटेड एंट्रेंस अगर देखिए शार्प एज का एंट्रेंस होगा तो ये लॉस ज्यादा होगा एंट्रेंस लॉस आपका क्या होगा ज्यादा होगा तो देखिए सडन कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो आपने लॉस ऑफ हेड निकाला था उसका क्या फॉर्मूला था दैट इज़ जीरो पॉइंट फाइव वी स्क्वेर बाय टू जी ये सडन कॉन्ट्रेक्शन के लिए हमने यूज किया था तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहां पे यूज करेंगे यहां पे हम यूज करेंगे किसके लिए करेंगे एंट्रेंस ऑफ द पाइप के लिए हम करेंगे अब यहां से पानी आपका क्या हो रहा है बाहर आ रहा है एग्जिट हो रहा है ठीक है अब एग्जिट हो रहा है तो क्या होगा लॉस ऑफ हेड होगा तो ये देखिए किसके कारण हो रहा है दिस इज द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड एट द आउटलेट ऑफ द पाइप विच इज डिसिपेटेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री जेट आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री जेट और इट इज लॉस्ट इन ए टैंक और रिजर्वाय ठीक है जब यहां से लिक्विड आपका फ्री जेट के रूप में निकलेगा या किसी टैंक के अंदर आपका जाएगा तो देखिए टैंक के अंदर जाएगा तो क्या होगा सडन एक्सपांसन आपका इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो उसके कारण जो लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ ए पाइप हम बोलते हैं उसको निकालने का हम फार्मूला जानते हैं दैट इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज वी स्क्वाय टू जी आपका हो जाएगा ठीक तो ये क्या सडन एक्सपांशन में हमने क्या फॉर्मूला यूज करा था दैट इज वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर बाय टू जी तो यहां से एक्सपांशन हो जाएगा है ना एक्सपांसन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी वी ले लेंगे जो जिस वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा ये वो वाली वेलोसिटी उसका होल स्क्वायर करके टू जी कर दीजिएगा तो लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ द पाइप आपका निकल जाएगा थैंक यू